मीन्स ब्रांड किट का मतलब ये हो गया कि लाइक कैनवा आप लोग देख रहे हो तो सी इसका इस तरह राउंड है, इसका ये है, एन इस तरह है, बी इस तरह लिखा है, ए इस तरह है ना। हेलो, तो इसमें ब्रांड किट में क्या होता है, आप अपना लोगो और अपना कलर और फॉन्ट, ये तीन चीजें आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो कुछ भी डिजाइन आप करोगे तो आपके फॉन्ट से ही वो हमेशा टाइप होगा, वो है ब्रांड किट। ओके, मीन्स आप ब्रांड क्या, लाइक पुमा होता है ना, जैसे पुमा होता है ना, तो पुमा का क्या है, ये ब्रांड का ये लोगो है और इमेज हैगा ये है, ठीक है। तो इसका लोगो ये है, शेर का निशान, और ये जो पुमा का PUMA लिखा है तो इसका भी एक फॉन्ट है ना। तो ब्रांड किट पे क्या करते हैं, हम वही सब करते हैं कि हम अपना लोगो यहाँ पे अपलोड करते हैं, इसी तरीके से कलर, जिस तरह ये ब्लैक कलर का है तो सेम ऐसा हम अपना कलर डिसाइड कर लेंगे, इसी तरह हम यहाँ पे अपने ब्रांड का फॉन्ट डिसाइड कर लेंगे, वहां पे अपलोड कर देंगे। तो अब हमेशा के लिए वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉन्ट, लोगो और कलर हो जाएगा, हम कभी भी कोई डिजाइन करेंगे तो इजीली वो अवेलेबल होगा हमारे लिए, ठीक है। ये किसके लिए होता है, प्रीमियम, हाँ ये किसके लिए होता है, प्रीमियम के लिए होता है, ठीक है। अपग्रेड इसलिए लिख के आ रहा, अगर करेंगे तो वो पैसे मांगना स्टार्ट कर देगा। देखो ये देखो, 30 डेज का ट्रायल देगा, उसके बाद ही पैसे ले लेगा हमसे। ओके ओके, तो संगीता क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इन इन्फो ऑप्शन इन कैनवा, हाउ टू ऐड ऐड इन यूट्यूब। ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बेटा। एक संगीता का और एक अनामिका दीदी का। ओके, अनामिका का, हाँ अनामिका का भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो ये किसका क्वेश्चन है, व्हाट इज इन इन्फो, ये संगीता का है। ओके, एंड हाउ टू ऐड ऐड इन यूट्यूब, ये किसका है। ओके ठीक है, तो ब्रांड किट, 1 मिनट होल्ड प्लीज सर। हेलो, हाँ हेलो बेटा, क्लास चल रही है, मैं करता हूँ आपसे बात बाद में। हैं, हाँ बेटा, ओके। सो ब्रांड किट हो गया, अब आता है व्हाट इज मार्केटिंग इन कैनवा, है ना। ओके तो कहाँ पे आपने ये देखा रूपाली, कैनवा कैनवा में आ गए हम अब। से वो ऊपर व्यू लाइन है ना, व्हाट के लिए वो डिजाइन इसमें है, उसका यूज क्या है फॉर कहाँ पे है बताओ तो पहले मुझे। यू के ये इसमें टेम्पलेट्स में आने के बाद ये मार्केटिंग, ओके, ये मार्केटिंग है। लाइक मार्केटिंग के लिए जो भी ग्राफिक्स यूज करते हैं उनकी टेम्पलेट्स और उनकी डिजाइनिंग के लिए, लाइक पोस्टर होता है, तो पोस्टर क्या, आप मूवीज वगैरह देखते हो तो आपको एक पोस्टर बनाते नहीं है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स का मतलब है वो डिजाइन बनाना जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हो, कुछ टैग लाइन वगैरह लिखी हो, ठीक है। इसी तरह ब्राउचर होता है, ब्राउचर इन द सेंस की लाइक कोई वो निकली, वैकेंसी निकली तो वैकेंसी का एक ब्राउचर बनाया जाता है जिसमें उसकी डिटेल्स और उसका फोटोज वगैरह लगा होता है। न्यूज़लेटर भी सेम इसी तरीके से होता है कि हमें कोई प्रॉस्पेक्टस वगैरह बनाना हो, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बनाना हो, PDF फाइल, वो सब इसमें बनेगा। प्रपोजल्स में ऐसा होता है जैसे ऑफर लेटर होता है, लाइक MTM किसी को ऑफर देता है तो एक टेम्पलेट टाइप बना देता है। लाइक आप ये देखते हो ट्विटर पे, ट्विटर मेरा लॉग इन बस हो तो उसमें दिख जाएगा। ओको लॉग इन नहीं है मेरा, लाइक ये तो लोगोस आ गए, कैसे बताऊं क्या बता रहा था।
प्रपोजल्स ना, हाँ ओके सो खोलना पड़ेगा। लाइक किसी को इनविटेशन भेजते हैं ना एक, अरे हाँ ग्रीटिंग कार्ड आप बनाते हो ना, हाँ हाँ तो वो सेम है, उसी तरीके से हम प्रपोजल्स वगैरह भेजते हैं तो वो सब ये मार्केटिंग कहलाता है। लाइक कोई कंपनी है आपको इनवाइट करती है कि मेरा इवेंट होने वाला है, लाइक वो कार लॉन्च होने वाली है, तो वो इवेंट्स में देते हैं ना कि हाँ मेरी मेरे कंपनी की कार लॉन्च होने वाली है, आप इवेंट में आइएगा, तो वो न्यूज लेटर्स और प्रपोजल्स कहलाते हैं। ठीक है, और वो हम यहाँ से रेडी करते हैं, यहाँ से डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग में कुछ नहीं, जो हाँ जितना आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए जो चीजें यूज करते हैं उन्हीं का ये एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने। ठीक है, सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले। ओके, हाउ टू इंस्टॉल ऐप इन पीसी, अश्विनी। ओके थोड़ा बाद में आते हैं इस क्वेश्चन पे, पहले लेते हैं संगीता का। व्हाट इज इन इन्फो ऑप्शन इन कैनवा, तो ये कहाँ देखा आपने बेटा, कैनवा में ही है सर, कैनवा में कहाँ है, ऑप्शन कहाँ पे, आता है नीचे, ऑप्शन कहाँ आ रहा है बताओ तो बेटा। लेने एक काम करो, जो टैब है टैब को अपने आप पास लो, संगीता आप टैब पकड़ो, अब बोलो। सर ब्लैंक पेज लेने के बाद आता है ना नीचे ऑप्शन वो। क्रिएट ए लॉन्च किया का लाचो के टेम्पलेट्स में हमने कार्ड ले लिया, और प्रेजेंटेशन ले लिया, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया, ओके हाँ अब कहाँ पे बेटा, ये इधर पे, हाँ सर हाँ इधर पे कहाँ पे, इधर पे तो नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है बताइए बेटा। बोलो क्या, ये साइड वाला लेफ्ट साइड और 3 डॉट है ना वो, और हाँ तीन किया, डॉट है वो नहीं सर, ये लेफ्ट साइड ये वाला मोड, वाला, ये टेक्स्ट म्यूजिक जैसे ओके लेफ्ट साइड, ओके फिर मोर के बाद सर इसमें आता है। इसमें इन्फो कहाँ आ रहा है, सर हमारे इधर ना ओके आपने क्या खोला था पहले मेरे को ये बताओ, यहाँ पे आपने टेम्पलेट्स में खोला था, आता है। हाँ टेम्पलेट्स में किस में गए थे, सोशल मीडिया, पर्सनल, बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन, लोगो लोगो, लोगो कहाँ है, ये लोगो, ओके संगीता ही बोलेगी कोई और नहीं बोलेगा, सर ओके लोगो पे गए फिर उसके बाद बेटा, ये क्रिएट ए ब्लैंक लोगो पे, हाँ ओके इसके बाद नीचे फॉन्ट कलर यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट डाउन पे मोर हाँ पे, सर ओके okay. अब कहाँ आ रहा बेटा, ऑप्शन नहीं दिखा रहा, मोबाइल में दिखाई दे रहा है ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है,
देखो, जो आप जिसकी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो इस तरह की, बताता हूँ, बट ये आप नोट डाउन कर लो। अगर आप क्वेश्चन नोट करते हो तो कहाँ से आपने पुट किया आपको पता भी होना चाहिए ना। मैं बताता हूँ आप क्या पूछने को ट्राई कर रहे हो। आप ट्राई कर रहे हो, यहाँ पे एक आई लिखा होता है और ये एक सर्किल बना होता है ऐसे करके, है ना। वो इसका मतलब ही यही होता है बेटा, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ सर, वो क्या होता है, जब आप आई पे क्लिक करते हो तो वो आपको जिसमें भी ये आई लिख के आ रहा होता है उसकी, उसके बारे में डिफाइन करता है आखिर ये है क्या, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। लाइक अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क और ये लिख के आ रहा है, तो ये हेल्प बटन है। इसमें क्या होता है, ये कैनवा की डिटेल्स बताएगा कहाँ से क्या कर सकते हो, एडिटिंग डाउनलोडिंग करोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये इसके बारे में पूरे कैनवा के बारे में डिफाइन कर रहा है। अगर अगर आपने कहीं भी आई देखा है तो उस आई को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इन्फॉर्मेशन देगा जिसमें भी वो आई बन के आ रहा होगा। ठीक है, और अगर डिजाइन में आ रहा होगा, स्टाइल मतलब इनमें से किसी में आई बन के आ रहा होगा, तो इसका मतलब है वो आई आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये आपका जो पोस्टर है, ब्लैंक पेज है, यहाँ पे आप इसकी जिस तरह ये क्रिएट हो जाता है, सेम एज आई इसी तरीके से आप क्रिएट कर रहे हो, समझ गए। तो उसके लिए भी आ सकता है भाई। ओके, दो तरीके में से कोई भी आपने सीन किया होगा मे बी। ओके, हेलो, 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 आवाज बहुत धीमी हो जाती है सडनली। सर हाँ अभी आ रही है। ओके अश्विनी, तो समझ गए, ए सॉरी संगीता, समझ गए आप। ओके, अभी अनामिका के पास आते हैं। अनामिका, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा मीन बताओ, हाउ टू ऐड ऐड इन यूट्यूब का मतलब क्या, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप। हाँ हाँ ओके, मीन्स एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं, या अपने आप जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो कोई भी वीडियो ओपन करते हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखता है, वो कैसे आता है, यही पूछ रहे हो ना। लाइक ये एपिसोड प्ले किया तो यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट आने लगता, यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट आने लगता है ना, उसकी बात कर रहे हो। वो एड अपने आप आता है, YouTube अपने आप वो ऐड कस्टमाइज करके देता है। मेरे पे नहीं आएगा, मेरे पे ऐड ब्लॉक लगा है, मैं इसको ऑफ करके करता हूँ, रुको। इधर है सर, वो ऐड कर बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये कह रहे हो ना, ये ऐड आने लगा, इस ऐड की बात कर रहे हो ना बेटा। हाँ, तो ये जो ऐड आता है ना, हाँ ओके ओके, ये जो ऐड आता है ये YouTube डिसाइड करता है कौन सा ऐड आएगा कौन सा ऐड नहीं आएगा। ठीक है, ये YouTube डिसाइड करता है। ओके, और एक्चुअली ये डिसाइड कैसे करेगा कि कौन सा ऐड आना है, वो आपके यूट्यूब की सर्फिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह की उसमें वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, आपको किस तरह की वीडियोस, चैनल्स इंटरेस्ट आ रहा है, तो जिस तरह का आप वीडियोस देखोगे, जिस तरह का कंटेंट आप यूट्यूब पे देखोगे, उसी तरीके से, उसी से रिलेटेड आपका ऐड आएगा। ओके ओके, समझ गए।